वंश किंग्स क्वीन सबको हाय सबको गुड इवनिंग तो ठीक है जिसने भी ज्वाइन कर लिया क्लास को सेशन को लाइक करो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो यहाँ पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो जो मेरे पुराने बच्चे हैं आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग सेशन को थोड़ा शेयर करो और अपने सारे क्लासमेट्स को यहाँ पर ले आओ सचिन यूनिक व्लॉग गुड इवनिंग ओके तो आज के क्लास में हम लोग पॉलिटी का एक कंप्लीट चैप्टर फिनिश करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर दिस इज वन ऑफ द चैप्टर इन योर सिलेबस तो इस चैप्टर को हम लोग इन डिटेल आज के क्लास में कवर करेंगे राजकुमार हेलो बुक में टू ई यू कंट्री हैज न्यूक्लियर अच्छा आशीष कोई बात नहीं हाँ हाँ क्लास Life चल रही ठीक है But अभी तो यूके आउट हो गया है तो हम आंसर में हाँ तो अब के आंसर में अब आप जब भी आंसर लिखोगे यू से रिलेटेड तो आपको ब्रिटेन को उसमें गिनने की जरूरत नहीं है तो दैट इज अंडरस्टूड उसके आपके नंबर वगैरह नहीं काटे जाएंगे टेंशन मत लो ठीक है बट एट द सेम टाइम अगर हम एनसीआर में भी लिखी हुई कोई चीज लिखते हैं ना तो बोर्ड एग्जाम में उसके नंबर नहीं कटते चाहे एनसीआर में गलत ही क्यों ना लिखा हुआ हो ठीक है तो जैसे टेंथ में भी ऐसा हो रखा आपका जो चैप्टर है ना नेशनलिज्म इन इंडिया तो उसमें बहुत सारी डेट्स थोड़ी ऊपर नीचे दे रखी हैं तो अगर आप गलत लिखते हो पर वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो उसके नंबर नहीं कटते और अगर आप सही चीज लिख कर आते हो तो भी आपको नंबर मिलते हैं पूरे टेंशन मत लो ओके okay, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ बच्चे बहुत कम है यार क्लास में ठीक है तुम थोड़ा सेशन को शेयर करो अपने क्लासमेट्स को जरा बताया करो कि ऐसा चैनल है ठीक है वो अब भी उसी पुराने चैनल पे अटके हुए हैं तो उन्हें बताओ जरा कि दीदी वहां से मूव ऑन कर चुकी हैं दीदी दूसरे चैनल चा, पर हैं ओके तो प्लीज शेयर दिस चैनल अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर मैं आपको एक आ, बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग क्या समझने वाले हैं तो कोल्ड वॉर एरा सबको याद है है ना तो कोल्ड वॉर टाइम पीरियड में दो सुपर पावर्स थी एक यूएसए और एक सोवियत यूनियन ठीक है तो क्या होता है कुछ टाइम के बाद हमारी जो सोवियत यूनियन है वो डिस हो जाती है मतलब यूएसएसआर डिस हो जाता है और सिर्फ यूएसए रह जाता है और काफी टाइम तक क्या होता है यूएसए अपनी बनाते हुए चलते हैं हेजमनी मतलब ये लोग क्योंकि बस यूएसए ही एक सुपर पावर था तो यूएसए के लोग क्या करते थे बाकी लोगों को डराते थे धमकाते थे अपनी चलाते थे ठीक है दादागिरी सॉर्ट ऑफ करते थे कुछ टाइम के बाद क्या हुआ नए नए कुछ पावर्स इमर्ज होने लग गए जो यूएसए को टक्कर देना स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर में हम उन्हीं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में पढ़ेंगे जो धीरे धीरे यूएसए को चैलेंज करना स्टार्ट कर देते हैं फोर्टी फाइव मिनट्स नहीं एक बार हाँ. अनीता मैम की क्लास कब से है अनीता मैम की क्लास आ, अभी है छह बजे आ जाएंगी मैम टेंशन मत लो हाँ तो क्या बोल रही थी मैं हाँ तो यूएसए के खिलाफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज होने लग जाते हैं तो इस चैप्टर में तुम यही पढ़ोगी कि कौन कौन से अलग अलग न्यू पावर्स थे जो यूएसए को चैलेंज करने लगते हैं ठीक है तो इसमें तुम्हें ई के बारे में बताया जाएगा ठीक है तुम लोग चाइना के बारे में पढ़ोगे जापान के बारे में पढ़ोगे आशियान के बारे में पढ़ोगे ये सारी चीजें पढ़ोगे कौन कौन से नए नए सेंटर्स थे जो यूएसए को धीरे धीरे चैलेंज करने लग जाते हैं ठीक है तो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अच्छा मैंने पूछा कहाँ थी मैं तो तुमने कहा गुरगांव में हो थैंक यू यार तुमने याद दिला दिया दिल्ली में हरियाणा में है सचिन ठीक है दिल्ली एनसीआर मान लो गुरगांव में है किंग्स क्वीन आपने पूछा क्या दीदी दी, कल आप एमसीक्यू सीरीज लेके आ सकते हो इसी चैप्टर की अच्छा कल तुम्हें वो चाहिए क्या मेंटी करना है तुम्हें कल का तो मैंने आई थिंक क्लास लगा दी है परसों मैं कर सकती हूं ऐसा हाँ संडे क्लास नहीं होती है कल की मैंने क्लास लगा दी है किंग्स क्वीन ऑलरेडी जितना मुझे याद है तो मैं परसों ले आऊंगी एम या जो भी तुम्हें चाहिए और नहीं क्लासेस इंग्लिश मीडियम में ही होगी हिंदी मीडियम में मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी मेरी हिंदी भी बहुत बेकार सी है तो हिंदी मीडियम में क्लासेस तो नहीं होगी अमन चलो तो आ, करते हैं स्टार्ट ठीक है तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूं कि यूएसए की हेजुमनी को चैलेंज करने वाला हमें कोई चाहिए था तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे आ, नए अर्ली नाइनटीन हंड्रेड्स के अराउंड क्या होता है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर हमारी इमर्ज होने लग जाती है तो इस चैप्टर में उन्हीं न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ई के बारे में यूरोपियन यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे आशियान के बारे में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ठीक है इसके अलावा पहले इन दोनों को कवर करोगे आप इसके अलावा आप अलग अलग कंट्रीज के बारे में भी पढ़ोगे कि कैसे चाइना धीरे धीरे इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो यूएसए को टक्कर देना स्टार्ट कर देता है ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी हम लोग शुरुआत करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ ठीक है तो जैसे जैसे हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म होता होता है होता है क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ ऑफ यूरोप 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 स्टार्ट मतलब जो यूरोप के बड़े, बड़े लीडर्स थे वो ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि अब हम यूरोप को कैसे संभालें ठीक है क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म भी हुआ था यूरोप में बहुत सारे लोग परेशान भी थे यूरोप के पास ज्यादा पैसे वैसे भी नहीं बचे थे तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि यूरोप के लीडर्स सोचना स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या करें ठीक है तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 एडेड कोल्ड वॉर इस टाइम के अराउंड क्या होता है हम देखते हैं कि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो बहुत बेकार हो जाती है बहुत रूय हो जाती है क्योंकि हमने ये अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप की हमारी कंट्रीज बहुत ज्यादा खर्चा कर देती हैं ठीक है नेक्स्ट क्या होता है यूरोप की इकोनॉमी में मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस करा जाता है ताकि यूरोप की इकोनॉमी को थोड़ा बेटर कर सके इसी टाइम के अराउंड द यूएस आल्सो क्रिएटेड न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो यूएसए है वो एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्रिएट करती है नाटो के अंडर और मार्शल प्लान के अंडर ही एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन ओ जो कि 1948 में हमारा एस्टैब्लिश हो गया था एंड इन सारे मार्शल प्लान ओईईसी इन इन सबका मेन पर्पस ये था कि हम यूरोप की इकोनॉमी को फिर से बिल्ड कर पाए के चलते क्या होता है 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप ये लोग बनाते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये लोग यूरोप को फिर से बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी ये लोग फॉर्म कर लेते हैं ठीक है तो अभी तक तो क्या था यूरोप के जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं यूरोपियन यूनियन जो है ये इकोनॉमी के ऊपर फोकस्ड कि वर्ल्ड के बाद पीयूष ठीक ठीक नहीं है है पर इट इज ओके हाँ और एक और चीज मुझे यार बहुत सारे कमेंट्स दिख रहे हैं आ, आज क्योंकि वन शॉट है तो मैं थोड़ा मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा रहेगी अगर मैं कमेंट ना देखूं तो बुरा मत मानना तुम हम्म दीदी मेरा आज हिस्ट्री का एग्जाम था हिस्ट्री का आपकी वजह से अच्छा गया हिस्ट्री तो तुमने अनीता मैम से पढ़ा होगा ना पीयूष हम्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर ने सबकी हाँ हिटलर की वजह से भी ओके चलो तो आगे पढ़ते हैं ठीक है

ईयू ने बीच में संविधान बनाने की कोशिश करी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी बट दे फेल उनसे संविधान बनाया नहीं जाता आ, पर ये 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 लोग क्या करते हैं हैं फ्लैग बनाते है, ये अपना एंथम बनाते हैं और अपनी खुद की करेंसी भी फॉलो करते हैं ठीक है थीके? तो ये कार्टून है जो कि उस टाइम पर यूज किया जाता था यूरोपियन यूनियन का मजाक उड़ाने के लिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन के लोग खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए थे है ना तो इस कार्टून में बेसिकली ये हो रहा है कि तुम्हें टाइटैनिक का एक इमेज दिखा रहे हैं कि टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था आइसबर्ग के साथ टकरा गई और सिंक कर गई है ना तो वैसे ही यूरोपियन यूनियन ने कोशिश तो करी संविधान बनाने की पर उसने कोई प्रॉब्लम फेस करी और वो डूब गई मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि ईयू से तो आ, अच्छा पीयूष वो दूसरे चैनल से वहां से पढ़ा था आपने हिस्ट्री मेरे साथ ओके सो पीयूष वेरी गुड आई एम सो प्राउड ऑफ यू इसी तरीके से पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करना और फाइनल एग्जाम में और बेटर करना ठीक है हाँ तो ये मतलब इसमें बेसिकली मजाक उड़ाया जा रहा है कि जैसे टाइटैनिक डूब गई वैसे यूरोपियन यूनियन से भी अपना संविधान नहीं बनाया गया नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देख लेते हैं डीप uh, मतलब नेवी ब्लू कलर का है एंड नेक्स्ट आप देखो तो इसमें येलो या फिर आप गोल्डन स्टार्स बोल सकते हो ठीक है तो ट्वेल्व गोल्डन स्टार्स लगे हैं ट्वेल्व क्यों क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ट्वेल्व कंट्रीज इन्वॉल्व थी एंड बेसिकली अगर आप कलर का भी मतलब समझना चाहो कि ब्लू क्यों यूज करा है, तो ये जो सारे कलर्स हैं ये जो सारे सिंबल्स हैं ये यूनिटी को कहीं ना कहीं शो करते हैं ठीक है तो अगर हम 31 दिसंबर 1994 की बात करें तो हमारे यूरोपियन यूनियन में बारह मेंबर्स थे बेल्जियम डेनमार्क जर्मनी आयरलैंड ग्रीस स्पेन फ्रांस इटली ल्यूजबर्ग नेदरलैंड पोर्चुगल और यूनाइटेड किंगडम ध्यान रहे आज के टाइम पर यूनाइटेड किंगडम ईयू का पार्ट नहीं है तो आ, कुछ इयर्स पहले हमारी जो ब्रिटेन है ब्रिटेन ने डिसाइड करा कि हमें यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहना और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लेता है और इसी पूरे इवेंट को हम लोग ब्रेग्जिट कहते हैं मतलब ब्रिटेन ने एग्जिट कर लिया यूरोपियन यूनियन से तो ये हमारी एनसीईआरटी थोड़ा पीछे चल रही है पर हाँ जब बना था ओके नाइनटीन नाइनटी में जब बना था तब तो यूनाइटेड किंगडम था आज के टाइम पे यूनाइटेड किंगडम नहीं है तो तुम्हें बीच बीच में दिखेगा कि ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम अब भी ईयू का पार्ट है पर आज के टाइम पर नहीं है ओके okay? चलो नेक्स्ट यूरोपियन यूनियन ने बहुत कोशिश करी कि ये नए नए मेंबर्स को एड करे अपने यूरोपियन uh, यूनियन में बट ये प्रोसेस कहीं ना कहीं टफ रहा ईयू के लिए इसका रीजन ये है कि काफी सारी कंट्रीज को ऐसा लगता है कि अगर हम ईयू को ज्वाइन कर लेंगे तो ईयू बहुत ज्यादा मतलब गवर्नमेंट की तरह एक्ट करती है बहुत ज्यादा पावर लगाती है कंट्रीज के ऊपर तो बहुत सारी जो नई कंट्रीज हैं, वो ईयू को ज्वाइन करना पसंद नहीं करती हाँ पहले सिलेबस तो थोड़ा कवर कर लो राम उसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चन कर लेना आ, दीदी मैं इलेवेंथ से हूँ आपको मैं याद हूं ना हाँ सीक्रेट सुपरस्टार मुझे आप याद हो चलो नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा, जा रहा है कि जो ईयू है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमी को तो इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ठीक है और मिलिट्री पावर भी बहुत ज्यादा है तो अभी बेसिकली तुम ई की बहुत ज्यादा तारीफ पढ़ोगे ओके याद है ना आपको मेरा नाम यार नाम मुझे याद नहीं रहते यार ठीक है नाम मैं भूल गई होंगी पक्का पर मुझे वैसे याद है कि हाँ सीक्रेट सुपरस्टार 2.0 एक स्टूडेंट है हमारी चलो तो ईयू की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है ईयू के ईयू पा, के पास ठीक है और अगर हम जीडीपी की बात करें तो 17 ट्रिलियन आ, ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा इनकी जीडीपी है ये 2016 का डेटा है तो ये सिर्फ यूएसए से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं और इनकी जो करेंसी है यूरो ये बहुत स्ट्रांग करेंसी है इट पोजेज अ थ्रेट इवन टू यू डॉलर ठीक है डॉलर को टक्कर दे सकती है इतना इतना स्ट्रांग इनका करेंसी है यूरो ओके okay? ठीक है अगर हम इनके वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट यूएसए से यूएसए से ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड ये लोग कर रहे हैं ओके okay, एंड अब क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा इकोनॉमिक पावर है तो हम देखते हैं कि ये लोग अक्सर अलग अलग कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के बीच में अपना ओपिनियन देते हैं अनमोल हाई कैसे हो आप तो ये ईयू की इकोनॉमिक पावर्स के बारे में बताया जा रहा है नेक्स्ट ईयू की अगर हम बात करें वन मेंबर ऑफ द ईयू फ्रांस होल्ड सीट ऑन दू एन सिक्योरिटी में हमारे कुछ कंट्रीज होते हैं तो यूएनएससी है, के तो इसमें से फ्रांस जो है वो ईयू का भी पार्ट है और यूएनएस का भी परमानेंट पार्ट है तो इससे क्या होता है ईयू के लोग यू एन एस सी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट हमने देखा है कि यूरोपियन यूनियन अलग अलग मैटर्स से रिलेटेड बोला है ठीक है जब यूएसए और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब भी इन इन लोगों ने बीच में इंटरफेयर करा था तो इसका रीजन क्या है ये लोग इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज इतना स्ट्रांग चल रहे हैं कि आजकल ये लोग अलग अलग पॉलिटिकल ओपिनियन भी देते हैं ठीक है जैसे चाइना में अगर ह्यूमन राइट्स नहीं दिए जा रहे तो यूरोपियन यूनियन बीच में बोलने लगता है ऐसे ओके okay, अब यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज के मिलिट्री को कंबाइन कर लो तो क्या होगा आप देखोगे कि यूरोपियन यूनियन के पास सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है पूरे वर्ल्ड में ये लोग यूएसए के बाद ये लोग सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं मिलिट्री के ऊपर वन ई यू मेंबर अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस तो हमारा इसके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर भी है प्रियू हाई और बढ़िया जी आप बताइए मैं बस ठीक चल रही हूं बढ़िया नहीं ठीक फाइन आ दीदी मेरा नाम भार्गवी यादव है आसाम वाली स्टूडेंट ओ हां अब मुझे याद आ गया ठीक है भार्गवी हाई अब मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट क्लास तक मैं इसे याद रखू ओके चलो तो फ्रांस ईयू का पार्ट है फ्रांस की अगर हम बात करें तो 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं इनके पास अप्रोक्सिमेटली एंड स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी फ्रांस बहुत बढ़िया कर रहा है तो क्योंकि फ्रांस बढ़िया कर रहा है तो ईयू का भी मिलिट्री वाइज सब कुछ बढ़िया चल रहा है ठीक है तो ओवरऑल हम लोग अभी तक क्या समझे हैं कि ईयू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज बहुत बढ़िया कर रही है एंड इट कैन डेफिनेटली कम्पीट विथ U.S.A. पर अभी तक तो हमने बहुत सारी तारीफें सुने E.U. की है ना अब कुछ प्रॉब्लम्स भी सुन लेते हैं E.U. के साथ कुछ दिक्कतें भी हैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी हैं वो भी समझ लेते हैं स्टडी लवर हेलो मैम गुड इवनिंग एंड हाउ आर यू मैम जी टुडे एंड गेस करिए मैम मैं कौन हूँ आपके क्लास में आपसे मिलने आया करता था और मैं टेंथ में हूँ प्लीज मैम जी अगर गैस करना है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लकी हो शायद ठीक है बाकी तुम मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में हाँ चलो आगे बढ़ते हैं तो आज यार बहुत बड़ा चैप्टर है ठीक है तुम मुझे बीच बीच में बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर ये खत्म करना है फिर सात बजे इलेवेंथ में भी वन शॉट है सिविक्स का आ, तो हाँ मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कम करो आज हाँ, तो हम ईयू की बुराई करने वाले हैं ठीक है तो ईयू में क्या था ईयू इतना भी अच्छा नहीं है ऑब्वियसली ब्रिटेन ने छोड़ भी दिया था तो काफी सारी कंट्रीज ईयू से परेशान भी रहती हैं और ईयू की जो कंट्रीज है वो आपस में भी बहुत ज्यादा लड़ती हैं विपिन सॉरी हाँ मैं पह, मैंने पहचान लिया आपको ठीक है हाय विपिन अच्छा ओके okay, पीयूष हाँ चलो तो यूरोप कर बिलीव करती हैं, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाहती ओके ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिका पार्टनर इन द इराक इन्वेजन एंड मेनी ऑफ द में ठीक है तो आ, बताया जा रहा है कि जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर इन्होंने क्या करा जब अमेरिका और इराक के बीच में कंफ्लिक चल रहा था तो इन्होंने अमेरिका की साइड ले ली थी जबकि ईयू में ज्यादातर कंट्रीज इराक की साइड ले रहे थे तो यूरोपियन यूनियन में भी आपस में जो कंट्रीज हैं उनकी नहीं बनती वो लोग कहीं ना कहीं इधर उधर आपस में लड़ते रहते हैं एक और एग्जाम्पल दे रखा है ब्रिटेन की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मार्गरेट थैचर इन्होंने क्या करा इन्होंने बोला कि ब्रिटेन आ, या फिर यूके यूरोपियन यूनियन के मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा आप बाकी कंट्रीज को मार्केट में उतार लो हम ब्रिटेन के लोग यूरोपियन यूनियन के मार्केट में नहीं आएंगे ठीक है मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे थे ये यूरोपियन यूनियन के साथ तो इससे हमें पता चलता है यूरोपियन यूनियन इतना परफेक्ट नहीं है कई बार यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ रही होती हैं ओके <laughs> मैम कल आऊंगा मिलने आपको परेशान करने न्यू नेम से तो अभी तो तुमने बता दिया ना कल तो मुझे याद रहेगा कि विपिन आ रहा है आज नाम बदल के पर ओके मैं कल वेट करूंगा हाँ ओके आ, और कुछ लिखा है क्या तुम लोगों ने नहीं बस इतना ही चल रहा है कमेंट सेक्शन में चलो तो यूरोपियन यूनियन हो गया है अब हम लोग अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं Uh, that is ASEAN of Asian बात करते हैं कि कैसे ये धीरे धीरे बिल्ड हुआ था ठीक है चलो तो यहाँ पे तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही है यहाँ से स्टार्ट करते हैं आसियान हमारा 1967 में हुआ था, और उस टाइम पे फाइव कंट्रीज इसका पार्ट थी इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस सिंगापुर और थाईलैंड इन लोगों ने क्या करा था बैंकॉक का डेक्लेन साइन करा था एंड उसके बाद आसियान की फॉर्मेशन हो गई थी आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी में तो प्रोग्रेस करना ही है पर साथ ही साथ हमें अपने कल्चर को भी डेवलप करना है इसके अलावा एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी है आसियान का वो क्या है अपने रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को एंकरेज करना ठीक है ओवर ईयर्स अलग अलग कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया है आसियान को आज के टाइम पे आसियान की स्ट्रेंथ टेन हो गई है पांच से इन्होंने स्टार्ट करा था बाद में थोड़ी और कंट्रीज जुड़ गई ठीक है तो अगर हम ईयू की बात करें ईयू ने कैसे शुरुआत करी थी इकोनॉमिक्स uh, में ज्यादा ध्यान था यू का उसके बाद ईयू पॉलिटिक्स में घुसने लग गया था है ना पर आसियान ने अभी तक तो ऐसा नहीं करा है आसियान इकोनॉमिक्स के ऊपर ही ठीक है इकोनॉमी डेवलप करनी है कंट्री को डेवलप करना है इसी चीज के ऊपर आशियान का आज के टाइम पर भी मेजर फोकस रहा है ओके ठीक है 2003 में क्या हुआ हम देखते हैं कि आशियान क्या करती है एक नया मॉडल बनाती है आशियान अपनी कम्युनिटी के तीन पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती है तो आसियान शिक सिक्योरिटी कम्युनिटी बनाई जाती है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी बनाई जाती है और ये आसियान के तीन पिलर्स हैं जिसके वजह से आसियान बहुत स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग आसियान के फ्लैग को देख सकते हो ब्लू है बीच में एक सर्कल है रेड है और यहाँ पर ऐसे टेन येलो आपको ऐसे लाइंस दिख रहे हैं है ना तो ये टेन लाइंस में भी आपको ऐसे देखकर समझना आ रहा हो

आशियान ने क्या करा बहुत सारे एग्रीमेंट्स को इन्होंने साइन करना स्टार्ट करा ठीक है आ, नेक्स्ट इन्होंने आशियान रीजनल फोरम बनाया 1994 में जिसके थ्रू ये लोग सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं ठीक है फॉरेन पॉलिसीज़ भी अलग अलग बना रहे हैं आशियान वॉज एंड स्टिल रिमेंस प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन ठीक है आशियान के बारे में बताया जा रहा है कि ईयू की तरह ये लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा उतरे नहीं ये आज के टाइम पर भी इकोनॉमिक्स के ऊपर ही ज्यादा फोकस्ड हैं नेक्स्ट आशियान ने क्या करा आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी ने एक कॉमन मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करी जहां पे आशियान की सारी कंट्रीज मिलकर आराम से ट्रेड कर पाए और इस एरिया को ही हम लोग फ्री ट्रेड एरिया कहते हैं दू एस एंड एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और आसियान एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है ओके okay? नेक्स्ट hmm. आपको इंडिया के बारे में भी थोड़ा बहुत बता रखा है कि uh, अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इंडिया आशियान को इतना मतलब काइंडली ट्रीट नहीं करता था बाद में हम लोगों ने भी दिखाया कि नहीं हमें भी एफ में इंटरेस्ट है तो एशिया आशियान इंडिया एफटीए केम इन टू एफेक्ट इन टू थाउजेंड टेन टू थाउजेंड टेन में हम लोगों ने फाइनली इस चीज को साइन कर लिया ठीक है ओके okay. नेक्स्ट आशियान स्ट्रेंथ हाउ एवर लाइज इन इट्स पॉलिसीज ऑफ इंटरक्शन एंड कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट आशियान के स्ट्रेंथ के बारे में बताया जा रहा है तो आशियान का मेन स्ट्रेंथ क्या है कि इट इंटर एंड कंसल्ट विद मेंबर स्टेट कि आसियान में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग आपस में कॉपरेट करते हैं वो लोग आपस में बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं जिसके वजह से आशियान आज के टाइम पर भी धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है ठीक है तो अभी हमने बहुत ही शॉर्ट में ईयू के बारे में पढ़ लिया है और साथ ही साथ आसियान के बारे में पढ़ लिया है अब हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे ठीक है ओके तो चाइना की अगर हम बात करें तो हमने देखा है 1978 के बाद चाइना की सडनली ग्रो करने लगती है उससे पहले क्या होता है चाइना एंड इंडिया ये दो ऐसी कंट्रीज थी जो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर थी सेम कंडीशंस चल रहे थे यहां पर बट सडनली हम देखते हैं कि चाइना अचानक से चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाती है तो हमारे अंदाजे से ट्वेंटी फोर्टी तक आते आते चाइना यूएसए से तो काफी आगे निकल जाएगा ओके okay, तो इस टॉपिक में आपको थोड़ा इन डिटेल बताया जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ चाइना में कि चाइना की इकोनॉमी अचानक से बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होने लग जाती है ओके okay, तो हम देखते हैं कि 1949 के अराउंड चाइना का जो मॉडल था वो सोवियत मॉडल के ऊपर बेस्ड था सोवियत मॉडल मतलब ये लोग रशिया से बहुत इंस्पायर्ड थे

फ्रॉम द कैपिटल accumulated फ्रॉम एग्रीकल्चर इस दौरान चाइना का क्या प्लान था कि चाइना में एक बहुत हेवी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना होगा और चाइना क्या करती है चाइना आइसोलेट हो जाती है बाकी कंट्रीज की हेल्प नहीं ले रही होती तो बाकी कंट्रीज से फालतू का सामान इंपोर्ट करना चाइना एकदम खत्म कर देती है और चाइना के लोग क्या करते हैं सिर्फ जो एकदम नेसेसरी चीज है कि ये तो चाइना में बन ही नहीं रहा ये तो चाइना में मिल ही नहीं रहा सिर्फ उन चीजों को ये लोग इम्पोर्ट करते थे कहाँ से बाकी कंट्रीज के साथ ठीक है एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वॉज एश्योर टू ऑल सिटीजन इस टाइम के अराउंड हम देखते हैं कि धीरे धीरे चाइना में डेवलपमेंट होने लग जाता है चाइना में पढ़ाई की बात करी जाती है एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाती है कि सारे सिटीजन को हेल्थ देंगे एजुकेशन देंगे इस तरीके से चल रहा था तो चाइना की जो इकोनॉमी थी इस टाइम पर फाइव टू सिक्स परसेंट ग्रो कर रही थी जो कि बढ़िया नंबर है पर एक और दिक्कत थी चाइना में कि चाइना की पॉपुलेशन भी साथ ही साथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो इसके चलते क्या होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम पड़ने लग जाता है मतलब ये लोग एग्रीकल्चर तो कर रहे थे पर इस एग्रीकल्चर से कंट्री को ये लोग चला नहीं पा रहे थे ठीक है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जरूरत इंडस्ट्री में भी पड़ती है जैसे अगर ग्रो किया जा रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर है और कॉटन इंडस्ट्रीज में यूज होता है है ना तो क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी तो एग्रीकल्चर इनके लिए कम पड़ता जा रहा था एग्रीकल्चर इनके लिए सफिशियंट नहीं हो रहा था ओके तो यूएसएसआर में भी सेम होता है यूएसएसआर के मॉडल में बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब उनकी ग्रोथ रुक जाती है सेम चीज चाइना के साथ होता है कि ये अलग आइसोलेटेड चल रहे थे किसी से बात बात नहीं करते थे इंपोर्ट नहीं करते थे पर बीच में एक ऐसा टाइम आता है कि इनकी इकोनॉमी गिरने लगती है ऐसे में नाइनटीन के अराउंड चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है क्या डिसीजन लेते हैं चाइना के लोग कि अब हम अपना आइसोलेशन खत्म कर रहे हैं अब हम बाकी कंट्रीज के साथ लिंक में आएंगे ऐसे में चाइना सबसे पहले 1972 में, के साथ अपने सुधारता है। Next, इनके एक प्रीमियर आते, है, जो इन ये फोर को आते हैं मतलब चार चीज को मॉडर्न करने की कोशिश करते हैं ये थ्री में क्या थी वो चार चीजें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इन सारी चीजों के ऊपर ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद एक और लीडर आते हैं वो ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं ओपन डोर पॉलिसी का मतलब यही है कि अब हम लोग अपने दरवाजों को खोल रहे हैं हम बाकी कंट्रीज के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ करने में अब विश्वास करते हैं हमें बताया जा रहा है कि चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं करी शॉक थेरेपी मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से आइसोलेशन के बाहर आते ही इन्होंने क्या करा सारे कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने बहुत धीरे 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 बेबी स्टेप्स लेते हुए अपने इकोनॉमी को बिल्ड करा 1982 में ये लोग क्या करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइज कर देते हैं 1998 तक आते-आते उससे पहले क्या था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज uh, ये सब स्टेट बेस्ड हुआ करती थी पर ये लोग धीरे-धीरे इन सारी चीजों को प्राइवेट कर देते हैं जैसे ही एग्रीकल्चर में प्राइवेटाइजेशन आता है हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो जाती है जिसके वजह से चाइना के लोग बहुत अच्छे से कमाना स्टार्ट कर देते हैं आज के टाइम पे चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब फॉरेन कंट्री आके तुम्हारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करे तो आ, इसके वजह से भी चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है टू में डब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया था चाइना ने जिसके वजह से चाइना और थोड़े इंटरनेशनल पॉलिसीज को फॉलो करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है तो अभी तक हमने चाइना की इकोनॉमी के बारे में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा कि चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है पर चाइना में कुछ दिक्कतें भी हैं अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है फीमेल की वर्किंग uh, कंडीशन वहाँ पर सही नहीं है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन चल रहा है पर ऑल दीस फैक्ट्स असाइड ये है कि चाइना आज के टाइम पे इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया कर चुका है चाइना के अलग अलग पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट चलते रहते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ बट क्योंकि इकोनॉमिकली चाइना का पावर इतना ज्यादा है और डोमिनेंस इतना ज्यादा है बाकी कंट्रीज चाइना के साथ थोड़ा बहुत मना, बना कर ही चलती हैं ओके okay? चलो तो दिस वॉज ऑल अबाउट चाइना ठीक है नेक्स्ट तुम्हें इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स के बारे में बताया जा रहा है कि इंडिया एंड चाइना का रिलेशनशिप कैसा रहा है बट वी वोंट बी डिस्कसिंग दिस तो तुम्हारी एक अलग क्लास लगेगी जिसमें हम इंडिया और बाकी कंट्रीज के सारे रिलेशनशिप्स को डिस्कस करेंगे ठीक है तो इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग सारे साथ में कवर करेंगे तो तुम्हें उसमें बताया जाएगा कि इंडिया एंड चाइना में क्या क्या था वॉर्स वगैरह वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे ठीक है नेक्स्ट हम लोग जापान के बारे में डिस्कस करते हैं तो अभी तक कौन कौन से अभी आपके घर में क्या सांप निकला अच्छा ठीक है यार मुझे चैप्टर चैप्टर खत्म करने तो उसके बाद हम लोग वो सांप के बारे में बात करेंगे मुझे वैसे रेप्टाइल्स वगैरह से बहुत डर लगता है तो हाँ और तुम लोग कमेंट सेक्शन में कुछ कह रहे हो क्या मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही थी क्योंकि काफी लेंदी चैप्टर है आज भी चाइना की इकोनॉमी अच्छी है हाँ आज भी चाइना की इकोनॉमी अच्छी है चलो जापान के बारे में बात करते हैं अब ठीक है तो आपने बहुत सारे जापान के फेमस ब्रांड्स के बारे में सुना होगा सोनी पाना होंडा हॉन्डाटे ये सब जापान के ब्रांड्स हैं ठीक है और जापान के बारे में मैं आपको एक यूनिक चीज बताती हूँ जापान एक आइलैंड कंट्री है एंड जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हमारा जापान बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि वहां से इंपोर्ट होगा तब जाके नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे तो जापान के लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करा जितने भी लोग रहते हैं जापान में उनका बहुत ध्यान रखा उनके एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट इन सारी चीजों के ऊपर काम करा जिसके चलते जापान में डेवलपमेंट आया ठीक है तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट यानी सिक्सटी 1964 में जापान जपानसीडी का पार्ट बनता है uh, 2017 तक आते आते हम देखते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाती है जापान की पूरे वर्ल्ड में इट इज दी एशियन मेंबर ठीक है जी सेवन जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी तो उसमें सिर्फ एक ही एशियन मेंबर है और वो हमारा जापान है it is the 11th most populous nation in the world pure world the 11th most populous nation japan hai.

ठीक है और ये सारी चीजें पता है कब ऐड हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिकली ये हुआ था कि जापान ने यूएसए के ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था ठीक है पर्ल हार्बर के ऊपर यूएसए के लोग बदला लेने के चक्कर में क्या करते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब्स गिरा देते हैं जिसके वजह से जापान में बहुत नुकसान होता है पर जापान बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिकवर करता है ठीक है तो क्या क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने यूरोपियन यूनियन हो गया आशियान हो गया और और क्या पढ़ा चाइना हो गया और अपना जापान भी हो गया अब हम लोग साउथ कोरिया पढ़ेंगे ठीक है साउथ कोरिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओके okay? तो हमारा जो कोरियन पेनिंसुलर एरिया है उसे हमने दो हिस्सों में बांट रखा है एक है नॉर्थ कोरिया और एक है साउथ कोरिया हम लोग साउथ कोरिया के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में तो साउथ कोरिया वाला या पूरा जो कोरिया वाला रीजन है इसमें अलग अलग चैलेंजेस थे इन्होंने कोरियन वॉर को सहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन, इन लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा कोल्ड वॉर से भी ये लोग धीरे-धीरे रिकवर कर रहे थे तो ये सारे चैलेंजेस इन लोगों ने फेस करे मीनवाइल धीरे-धीरे जो साउथ कोरिया है वो अपने आप को डेवलप करने लगा आज के टाइम पर वो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर है जो धीरे-धीरे ओवर टाइम यूएसए को राइवल कर जाएगा ठीक है बिटवीन so और 1980s, 1980s के बीच में हम लोग देखते हैं कि साउथ कोरिया अचानक से अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने लग जाता है जिसको हम ये लोग ओईसीडी को ज्वाइन कर लेते हैं टू थाउजेंड सेवेंटीन का अगर हम डेटा देखें तो इनकी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड लार्जेस्ट है और मिलिट्री एक्सपेंडिचर इनका कितना है टेंथ लार्जेस्ट है ओके okay, तो दिस वाज ऑल अबाउट साउथ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में कुछ और फैक्ट्स आपको बता रखे हैं कि अगर हम 2016 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालें तो एचडीआई रैंक 18 चल रही थी साउथ कोरिया की ओके okay, नेक्स्ट साउथ कोरिया अपना डेवलपमेंट क्यों कर पाया सक्सेसफुल लैंड रिफॉर्म्स की वजह से इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत फोकस करा अपने रूरल एरियाज को इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप करा ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इन्होंने ध्यान दिया जापान की तरह इक्विटेबल इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने विश्वास रखा इन सब के चलते हमने देखा कि साउथ कोरिया में बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होने लगता है इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है कुछ ज्यादा ही जल्दी हम लोग बढ़ रहे थे आज पर ये चैप्टर आपका बहुत लेंदी है अगर आप इसे इन डिटेल समझना चाहते हो तो हमने इन डिटेल भी एक एक पार्ट जैसे चाइना के ऊपर पूरा एक लेक्चर uh, रखा है हमने साउथ कोरिया के बारे में पूरा एक लेक्चर था तो अगर आप इसे इन डिटेल एक एक टॉपिक को समझना चाहते हो तो आपको वो भी हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा सो दिस वॉज वन शॉर्ट रिविजन बेसिकली हमने ऊपर ऊपर से एक सम कर लिया कि वॉट वॉज दिस चैप्टर ऑल अबाउट ठीक है हाँ किंग्स क्वीन क्या पूछा आपने हाँ जो एडिशनल टॉपिक्स हैं उनको हम सेपरेटली कवर करेंगे टेंशन मत लो अभी हमने एनसीईआरटी से कवर करा है चैप्टर को बाकी जो हमारे एडिशनल टॉपिक्स रहेंगे उनको हम आ, अलग कवर करेंगे हाँ शिवा आज ऐसा ही कुछ था ठीक है तबीयत मेरी कल से बेटर है साहू पर हाँ आज भी बहुत आज भी बहुत वन शॉट रिविजन्स हो गए अभी इलेवेंथ में और करना है सात बजे वन शॉट रिविजन ठीक है तो वहाँ आ जाना मैम मैंने आपको मैसेज किया था रिप्लाई नहीं किया कहाँ मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर अगर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रखा तो आ, मैंने कल मतलब किसी को भी रिप्लाई नहीं करा कुछ दिनों से तो टेंशन मत लो मैं कर दूंगी रिप्लाई ओके okay? हाँ बाकी सात बजे क्लास इलेवेंथ का लेक्चर है सारे बच्चे वहाँ पर पहुंच जाना राइट्स जो हमारा चैप्टर है उसका वन शॉर्ट रिविजन होने वाला है okay? ओके चलो स्टूडेंट सो दैट्स इट फॉर टुडे आज के लिए इतना ही अब हम लोग मिलते हैं अपने सात बजे वाले लेक्चर में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू